ये कहानी है बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा की, जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के करोड़ों फैन हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है और लोगों के दिलों में अपना जगह बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर तनुश्री चटर्जी की, जिन्हें हम तनुश्री के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुश कुमार और आप देख रहे हैं एक नज़र में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिले और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तनुश्री का जन्म 1991 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। हालांकि इनके परिवार के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। इनकी माता जी एक डांस टीचर हैं और इनकी गुरु भी हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कोलकाता से ही की थी। जब ये 14 साल की थी तब ये अपनी माता के साथ एक डांस क्लास में डांस कर रही थी, तो इनके माता जी के एक दोस्त की नज़र इन पे पड़ी, तो इन्होंने इनके माता से कहा कि ये तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और डांस भी कर लेती है, क्यों ना इसको फिल्मों में भेजा जाए। ये बात सुनकर इनकी माता ने हाँ कर दी, क्योंकि इनकी माता भी चाहती थी कि ये फिल्मों में काम करे। फिर क्या था, इसके बाद कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात हुई और इनको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला, जो एक बंगाली फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। उसके बाद इन्होंने गुजराती, मराठी, तेलुगु और अन्य फिल्मों में ये सपोर्टिंग रोल करती रही। कुछ समय बाद फिर इनका हिंदी भक्ति एल्बम आया, जो कि अम्बे म्यूजिक कंपनी से था। उसके बाद इन्होंने कई एल्बम में अपने डांस का जलवा बिखेरा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगी। फिर भोजपुरी फिल्म के जाने माने डायरेक्टर रमाकांत प्रसाद की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने 2012 में अपनी फिल्म जान तेरे नाम में इनको पहला ब्रेक दिया, जिसमें खेसारी लाल और विराज भट्ट के साथ में ये नजर आई। इसके बाद गोलू के साथ तू ही तो मेरी जान है राधा में नजर आई। उसके बाद और अन्य फिल्मों में भी नजर आई, जैसे जिद्दी आशिक, दिल है कि मानता नहीं, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से, धर्म के सौदागर, त्रिशूल, आवारा बालम, नया यार, शादी करके चरण, रंगीला, दुल्हन हम ले जाएंगे, रुद्र, बालू घाट, दिल धक धक करे, सजना पे दिल आ गई, गदर मचल प्यार में, बब्बर, सिंदूर की सौगंध, जानवर इत्यादि। हालांकि इनकी आने वाली और भी फिल्में हैं। अगर इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। फिलहाल में ये मुंबई में रहती हैं और अब वर्तमान में भोजपुरी फिल्मों में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।